उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में काली कमाई और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू किया था, वह दूसरे कार्यकाल में भी जारी है। राजधानी के सरोजनी नगर में करोड़ों की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने के बाद आज बुधवार को बालू अड्डा स्थित एक 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। राजधानी के हजरतगंज स्थित बालू अड्डे के पास बने अवैध अपार्टमेंट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर चला रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यजदान बिल्डर को बार बार नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर आज LDA बड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के निर्देश पर अवैध अपार्टमेंट पर कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फहाद व समाजवादी पार्टी के विधायक मसूद हसन के भतीजे के अवैध अपार्टमेंट पर की जा रही है। अवैध निर्माण को लेकर LDA पूर्व में कई बार नोटिस दे चुका है, लेकिन जब जवाब नहीं आया तो आज अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं मौके पर कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात है। ACP हजरतगंज अखिलेश सिंह, इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला व भारी फोर्स मौके पर मौजूद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।